दोस्तों ये है सीगेट की तरफ से आने वाली बैकअप प्लस स्लिम हार्ड डिस्क, जो कि हम अपने मैकबुक या आप विंडोज़ लैपटॉप में एज अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो 1 TB की है। यहाँ पर आपको 1 TB, 1.5 TB या आपको 2 TB, 5 TB ऐसे अलग अलग वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 1 TB का। अभी हम कर रहे हैं इसको अनजिप, सॉरी इसको कर रहे हैं अनबॉक्स। देखो इसको जैसे हम इसको काटते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसमें आइटम देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिस्क है हमने परचेज़ किया है अमेज़ोन से, इसकी बाय बेस्ट बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो क्लियरली यहाँ मेंशन है कि यहाँ पर आपको विंडोज़ और मैक दोनों के लिए काम करेगा, प्लस ये काफ़ी छोटी साइज़ में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जितना हमारा ATM का साइज़ होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैं कोई विंडोज़ मैक दोनों पे काम करेगी और ये 3.0 है, यानी स्पीड जो है ना इसकी फास्ट मिलेगी आपको। अगर मैक पे यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा फास्ट मिलेगी, और विंडोज़ पे यूज़ करते हैं तो फिर भी आपको 150-200 MBPS इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको मिलता है एक मेन केस और एक मिलती है बुकलेट, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है अलग अलग लैंग्वेज में, तो इसको आप बाद में रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आपको माइलियो का आपको प्लान मिलता है 1 ईयर का। इसके अलावा आपको एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं इसी तरह फ्री सॉफ्टवेयर के, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दौरान। तो ये इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको, ये एडोब का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको यहाँ साथ में मिल रहा है कि कैसे आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। अब बात करते हैं मेन केस की। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए यहाँ पे जो केस है ना बहुत बेहतरीन है। इस केस को आप एज अ ट्रेवल बैग की तरह यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी जाना है इस बैग को, मैं हार्ड डिस्क को रखो और अपने बैग में डाल दूँ तो कोई डैमेज होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो मैं इसी के साथ में इसको यूज़ करने वाला हूँ। इसको ऐसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है हमारे हार्ड डिस्क वाला केस, जहाँ पर एक और पॉलीथीन का इसमें यूज़ किया गया है, जहाँ पर ये कवर है। अब बात करते हैं, इसको निकालते हैं तो देखो आप लोग को मैं हाथ में लेकर बता रहा हूँ, ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे साथ में एक उसकी डाटा केबल भी दी जा रही है, जिसका एक पोर्ट जो है वो लगेगा हार्ड डिस्क में और दूसरा वाला जो पोर्ट है वो लगेगा USB पोर्ट हमारे लैपटॉप में। तो जहाँ से आप इसको डेटा को ट्रांसफर करने में इसको यूज़ कर पाएंगे बाय केबल। और अब बात करते हैं मेन पार्ट हमारे हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, हमारे जो हथेली होती है उसमें आसानी से पकड़ने में आ जाती है, और अगर वैसे बात करें तो वैसे बहुत छोटी है। ठीक है, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा हमारे हथेली रखने पर कि कितनी इसकी साइज़ है। अभी मैंने इसको ओपन किया तो ओपन करने पे कुछ साइज़ आपको देखने को मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पे, क्लियरली मेंशन है कि इसकी कैपेसिटी जो है ना 1 TB की है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी में ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी लेंगे उसकी मोटाई उसकी बढ़ती आएगी। फिलहाल यहाँ पे एक रेड कलर का मैट फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है शाइनिंग के साथ में, प्लस यहाँ पे एक LED लाइट है वाइट कलर की जो कि ऑन होगी जब जलेगी, और कंपनी की ब्रांडिंग है ऊपर है USB पोर्ट जो कि हार्ड डिस्क में यूज़ होते हैं। तो इस हमने केबल को डायरेक्टली हम यहाँ पर अटैच करेंगे, और उसके बाद ये वाला पोर्ट जो रहेगा हम अपने कंप्यूटर में अटैच कर देंगे USB पोर्ट में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा लुक इसका देखने को मिलता है। अब करते हैं इसका स्पीड टेस्ट, कैसा देखने को आती है, कितनी स्पीड इसमें आती है। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं मैकबुक का यूज़, तो हमने अभी इसको अटैच कर लिया। इसके स्पीड टेस्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितना आता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सॉफ्टवेयर में आ रहा है रीड स्पीड राइट स्पीड आ रही है 120 MBPS, और रीड स्पीड आ रही है 131 MBPS। तो ये सॉफ्टवेयर दिखाता है वो अलग रहता है, और एक्चुअल में कुछ और आती है। तो अभी एक्चुअल में कितनी आ रही है वो देख लीजिए। तो ये जो हमारी फाइल है ये है लगभग 350 MB की, और इसको लगेगा मुश्किल से 2 से 3 सेकंड कॉपी करने में। तो हमने इसको यहाँ पे किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको डालते हैं, पेस्ट करते हैं हमारे हार्ड डिस्क में और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमने ये किया पेस्ट यहाँ पे, और देखेंगे कि कितनी स्पीड से हमारा एक डाटा कॉपी हो जाता है। हमने अपना फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद देखो विद इन सेकेंड्स ये डेटा कॉपी हो चुका है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में लगाने के बाद कुछ देखने में इस तरीके दिखती है। तो ये था इसका पूरा टेस्ट ओवरव्यू और रिव्यू। तो हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपके लिए एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आपको कम बजट में अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए है तो ये वाली हार्ड डिस्क का यूज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बाय प्रोडक्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
दोस्तों आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।